हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों यहाँ पे फाइनली गाड़ी चल चुकी है 3000 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको 3000 किलोमीटर सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो 3439 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। मुझे 3000 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे इस क्लासिक के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स, यहाँ पे क्या कुछ बातें मुझे यहाँ पे फेस करने को मिली, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या मुझे 3000 किलोमीटर के अंदर गाड़ी कोई पंचर वगैरह हुई या फिर नहीं हुई, अगर हुई है तो मैंने कैसे यहाँ पे इसको किया, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा देख लेना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर देना। कहीं जरा हम पिछले कुछ दिन से यार वीडियो डेली नहीं डाल पा रहे, उसका कुछ यार रीजन है, आप सभी लोग समझ सकते हो। यार टॉपिक भी नहीं मिल रहा था, तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट किया करो वीडियो के नीचे। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो मैं आपके लिए डेली वीडियो बना दूंगा। तो मुझे गाइस टॉपिक नहीं मिल रहा था, इसी वजह से डेली वीडियो नहीं आ रहा था। तो अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे मुझे 3000 किलोमीटर के अंदर क्या कुछ दिक्कतें देखने को मिली। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे है ना मुझे पीछे वाला जो टायर है ना उसके अंदर गाइस यहाँ पे मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी आज से लगभग 15 दिन पहले। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी को मैकेनिकल शॉप पे नहीं ले जाकर घर पे ही गाड़ी को पंचर निकलवाया। वो कैसे आपको पता होगा, जब हम गाड़ी लेते हैं तब रॉयल इनफील्ड हमें न्यू गाड़ी पे 1 साल तक रोड साइड असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। 1 साल तक हम, जैसे कि हमारी गाड़ी कहीं भी रस्ते में खराब हो गई है, तो हम रॉयल इनफील्ड के सर्विस वाले नंबर, मैं आपको यहाँ पे अभी नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उस वाले नंबर पे कॉल करके आप कहीं पे भी हो, चाहे आप पहाड़ में हो, चाहे जंगल में, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ भी हो, आपको गाइज रॉयल इनफील्ड के बंदे आके आपकी गाड़ी को ठीक करेंगे। तो गाइज यार मुझे ये रोड साइड असिस्टेंट रॉयल इनफील्ड की बहुत अच्छी लगी। इसको आप यूज करके गाड़ी कहीं पे भी खराब हुई हो, आपकी गाड़ी को आपके पास आके ठीक कर देंगे। आपके सर्विस चार्ज लगेंगे, बाकी जो वो आएंगे आपके मैकेनिक लेने, मैकेनिकल कॉस्ट फ्री रहेगा। बाकी आपके अगर पंचर निकाला, पंचर का जितना भी कॉस्ट लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, बाकी जो मैकेनिक आपके पास आएगा इतने दूर से पेट्रोल खर्च करके वो सब कंपनी देगी। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे पीछे की साइड में गाइस है ना, खील किसी ने चुबो दी थी, तो वो खील यहाँ पे उसकी वजह से गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी को पंचर निकलवाया और यहाँ पे मुझे लगे ₹100 के अंदर मेरा यहाँ पे पंचर निकल गया। रॉयल इनफील्ड के बंदे 1 से 2 घंटे के अंदर मेरे घर पे आके पंचर निकाल दिया। यहाँ पे लगभग गाइज यहाँ पे आपको पता होगा रॉयल इनफील्ड के टॉप वाले मॉडल में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं विद अलॉय व्हील। तो यहाँ पे ट्यूबलेस टायर है, इसमें पीछे और आगे भी ट्यूबलेस टायर है। तो ट्यूबलेस टायर में एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपकी गाड़ी जब पंचर हो जाती है ना, तो यहाँ पे वो 1 से 2 घंटे तक हवा रुकी रहती है, एक साथ नहीं निकलती है, कुछ टाइम तक रुकती है, जिससे आप आसपास के शॉप पर जा सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है गाइज यहाँ पे मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ वो वाली प्रॉब्लम, वो है इसका ये वाला जो आगे के ये लेगार्ड है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा भी, मतलब ये क्या बताऊँ गाइज, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है, बस लुकिंग अच्छा लगेगा। बाकी गाइज ये देखो कितने ज़्यादा स्क्रैच आ गए हैं गाड़ी का, स्क्रैच प्रूफ नहीं है, यहाँ पे स्क्रैच बहुत ज़्यादा आते हैं। जब भी गाड़ी आपकी नीचे गिरेगी ना गाइज, तो ये यहाँ पे है ना गाइज, यहाँ से पीछे मुड़ जाएंगे, ये दोनों पीछे चले जाएंगे। तो गाइज ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गाइज इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आप जब भी गाड़ी लो, आप यहाँ पे ये वाला आफ्टर मार्केट भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको आफ्टर मार्केट में अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो आफ्टर मार्केट से आप इसे लगवा सकते हो। अभी हम तीसरे यहाँ पे पॉइंट की बात करें, वो मुझे अच्छा लगा, वो है गाइज जिसका यहाँ पे मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे गाड़ी के अंदर आप बैठ के जब गाड़ी को चलाओगे ना, तो गाड़ी का गाइज यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन बहुत बढ़िया रहता है जब आप गाड़ी को पब्लिक में लेके जाओगे। तो मुझे यहाँ पे 3000 किलोमीटर निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला गाइज यहाँ पे इतना मुझे कंफर्टेबल राइड का एक्सपीरियंस मिला। 3000 किलोमीटर मैंने चला दी, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं थक गया हूँ गाड़ी चला चला के। आप जितना गाड़ी को चलाओगे, आपको फिर भी मन में रहेगी यार और गाड़ी चला लेते हैं। आपको गाड़ी चलाते चलाते आपका मन भरेगा ही नहीं, आप सोचेंगे यार और गाड़ी चलाते हैं, बस यही है। और यहाँ पे माइलेज भी ये बहुत बढ़िया निकाल के दिया था मुझे। यहाँ पे 3000 किलोमीटर चल गए, अभी सेकंड सर्विस होगी 5000 किलोमीटर पे। मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई थी 500 किलोमीटर पे, जब गाड़ी ली थी तब 500 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस होती है, सेकंड सर्विस होती है 5000 किलोमीटर पे, और यहाँ पे तीसरी सर्विस होती है 10000 किलोमीटर पे, और चौथी 15000 किलोमीटर पे। तो मुझे गाड़ी के साथ में 4 सर्विस फ्री मिली है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विस तो करवा दी, अभी जैसे ही 5000 किलोमीटर पूरे होंगे यहाँ पे अब सेकंड सर्विस मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे गाइज मुझे इस गाड़ी ने है ना 35 से 36 का माइलेज निकाल के दिया है 1 लीटर के अंदर। मैंने पूरा माइलेज टेस्ट वीडियो भी बनाया है, तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। तो गाइज यार मुझे 3000 किलोमीटर के अंदर बहुत अच्छा माइलेज इसने निकाल के दिया है, और गाड़ी को लिए हुए मुझे लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं।
तो गाड़ी का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जो टैंक है ना गाइस, इस पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है गाइस। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप गाड़ी को कहीं पे खड़ी कर दोगे ना, एक से दो दिन भी आप गाड़ी को चलाओगे नहीं तो अगले दिन आप देखोगे तो गाड़ी गाइस पूरी मिट्टी से ढक चुकी होगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप रॉयल एनफील्ड का ऑफिशियल एक कवर आता है जो बाइक को पूरी को ढक देता, वो ले लेना, जिससे आपकी गाड़ी बिल्कुल मतलब वो वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है। उससे अगर आप बारिश में भी लगा के खड़ी कर दोगे तो भी आपकी गाड़ी भींगेगी नहीं, मतलब गीली नहीं होगी। तो आप वो लगा दोगे तो आपके अंदर पानी भी नहीं आएगा और कचरा वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो मैंने उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया, तो अगर आप देखना चाहो तो चैनल पर जाके देख सकती हो। और यहाँ पे मुझे एक इसकी यहाँ पे बढ़िया बात वो लगी, वो है गाइस जिसका यहाँ पे पीछे की साइड का जो ब्रेक है ना गाइस, ये ब्रेक इतना बढ़िया ना गाइस, मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। दोनों साइड के ब्रेक बहुत बढ़िया गाइस, आपको दोनों साइड ड्यूल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है। आप गाइस यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, आप 100 की स्पीड से भी चला रहे हो ना, अचानक कोई भी आ गया आगे, तो आप गाड़ी को इजीली रोक सकते हो, गाड़ी आपकी अनबैलेंस नहीं होगी, आराम से कंफर्टेबली इसको आप रोक सकते हो। आप अचानक भी ब्रेक लगा दोगे, बाकी जैसे कि आपको पता होगा ओल्ड वाली क्लासिक के अंदर आपको यहाँ पे ड्यूल एबीएस नहीं मिलता है, एक साइड आपको एबीएस मिलता है, एक साइड आपको नहीं मिलता, ड्रम ब्रेक मिलते हैं। तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक के अंदर ये होता है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी का टायर है ना फिसलने लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको ऑयल ब्रेकिंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप गाड़ी को जब हाई स्पीड में भी लगाओगे तो अभी आपकी गाड़ी लहराएगी नहीं, आपको गिराएगी नहीं और आराम से रुक जाएगी। तो मुझे यही इसकी बातें अच्छी लगी यहाँ पे 3000 किलोमीटर के अंदर। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दी। यहाँ पे एक और आपको मैं बात बताऊँ, अगर कंपनी है ना यहाँ पे इस वाले मॉडल के अंदर, यहाँ पे जो आपको पता होगा मीटियोर 350 के अंदर, यहाँ पे हमें पता चलता है कि गाड़ी कौन से गियर के अंदर है वो भी पता चलता है, लेकिन इसमें वो वाला फीचर नहीं है। अगर कंपनी वो वाला फीचर इसमें दे देती ना तो गाड़ी बहुत बढ़िया लगती गाइस, सच में वो वाला फीचर मैं इसमें मिस करता हूँ। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया गाड़ी है, मैं आपको बताऊं तो गाइस बहुत बढ़िया माइलेज देती है, और आप इन्हें आपका फीलिंग भी बहुत बढ़िया आएगी जब आप इस गाड़ी को चलाओगे। और यहाँ पे इसका जो स्टॉक साइलेंसर है ना, इसकी आवाज़ भी बहुत बढ़िया है जब आप इसको चलाओगे, तो आपको मुझे तो गाइस ये वाला स्टॉक साइलेंसर ही अच्छा है, मुझे तो इसको चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका साइलेंसर ही बहुत बढ़िया है। मैं आपको सबसे पहले इसकी आवाज़ सुना देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, तो आप देख लो अभी मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है, अभी मैं इसे यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, तो देखो अभी आप देखो यह है इसके स्टॉक साइलेंसर की आवाज। तो मुझे तो इसके स्टॉक साइलेंसर की आवाज बहुत बढ़िया लगती है, आपको कैसी लगती है वो भी आप बता देना। तो मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ और आपसे बात करता हूँ। तो देखो अभी मैंने इसे बंद कर दिया है। अगर आप लेना चाहते हो इस वाली बाइक को तो आप आराम से ले सकते हो। अभी यहाँ पे BS7 वाली गाड़ियाँ 1 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया है, अब आएगी 31 अगस्त 2023। तो अभी यहाँ पे ये गाड़ियाँ आपको 2 से 3 महीने तक और देखने को मिलेगी, BS6 इंजन वाली। और BS7 वाले इंजन के अंदर क्या कमियाँ मिलेगी वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताया था, वो वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको, उस वाले इंजन के अंदर ना BS7 वाले, उसके अंदर अभी आपको जो आवाज़ मिल रही है ना, अभी इस वाली आवाज़ से भी और आवाज़ को कम कर दिया गया BS7 वाले इंजन के अंदर। तो आप देख लो गाइस कितना ज़्यादा आवाज़ को कम कर दिया गया। अगर आपको ये वाली आवाज़ पसंद है तो आप इसको ले लेना 31 अगस्त से पहले, नहीं तो उसके बाद आपको BS7 वाला क्लासिक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको इंजन में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो बस यही कुछ बातें थी मेरा यहाँ पे 3000 किलोमीटर का यहाँ पे ओनरशिप एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो रोज आती है। और आप मुझे कमेंट के अंदर टॉपिक सजेस्ट करना मत भूलना, क्योंकि आप टॉपिक सजेस्ट करोगे तो मैं डेली वीडियो बना दूंगा, मुझे टॉपिक नहीं मिलता इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, लव यू, वंदे मातरम।